वेलकम दोस्तों, मैं नितेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल में। लेकर आ गया हूं मैं आज के लिए फिर से नई वीडियो। ये स्टेप से हैंड फ्री होने वाली है जो कि है जेंटो कंपनी की। देखिए कितने सारे बंच ऑफ मेरे पास हैंड फ्री है, ये सब आपको अनबॉक्सिंग मिलेगी इस वीडियो चैनल पे। ये स्टेप से मेरी होने वाली है हैंड फ्री। तो चलिए फटाफट से टाइम ना गंवाते हुए हम इसके बारे में डिटेल जानते हैं। जो इसका मॉडल नंबर है XE24 है, 23 की अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूँ और ये XE21 की भी कर चुका हूँ। ये XE24 है, लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं जेंटो XE24। डिज़ाइन कुछ इसी टाइप से रहेगा, ये ईयरफोन होने वाला है। बैक साइड में अगर बात की जाए इसके डिटेल की तो देख सकते हैं यहाँ पे भी मॉडल नंबर XE24 दे रखा है। इस टाइप से डिज़ाइन होने वाला है जेंटो कनेक्टिंग पीपल। जल्दी से इसे ओपन करते हैं हम। इसमें रेड ये वाइट पीस है, हम इसमें ब्लैक पीस ओपन करेंगे। ये हमारी ब्लैक पीस है, आराम से इसे ओपन करते हैं। डिजाइन देखते हैं किस टाइप से ये हमें मिलने वाला है। इस टाइप से डिजाइनिंग ये होने वाली है। इस टाइप से इसका माइक है, देख सकते हैं 3.2 mm जैक है, काफ़ी अच्छा मोल्ड है, PVC वायरिंग में आती है, काफ़ी बढ़िया है ये होने वाली है हमारी। ये PVC वायरिंग है पूरी की पूरी, आराम से इसे आगे ले जा सकते हैं, मजबूत है। थोड़ी सी हैवी वायरिंग में है तो ये अच्छी बात है, और वायरिंग अच्छी होने से अगर खींचती नहीं है ईयरफोन उससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। ये बहुत अच्छी बात रहती है कि वायरिंग मजबूत होती है तो हैंड फ्री जल्दी हमारी ख़राब नहीं होती है। इस टाइप से इसमें माइक दे रखा है तिरछे में, देख सकते हैं यहाँ पे जेंटो की ब्रांडिंग है। यहीं से ये फ़ोन उठेगा वगैरह, बात होगी जो भी करना है यहीं से कर सकते हैं, कॉल आएगा तो। साथ के साथ यहाँ पे ईयर लॉकर दे रखा है, मतलब कॉलर में फंसाने के लिए यहाँ पे लॉक आपको दे रखा है, आराम से इसे कॉलर में आप फंसा के रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हैंड फ्री नीचे गिरेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। इस टाइप से होने से ये होता है कि आपकी हैंड फ्री इधर उधर नहीं जाती, आराम से एक जगह फिक्स हो जाती है, जिससे वो ख़राब नहीं होती अगर लॉन्ग लास्टिंग रहती है। कंपनी की अच्छी बात रहती है अगर जो भी ईयर लॉकर इस टाइप से फंसा के देते हैं। अगर हम आगे चले इसकी डिज़ाइन की बात करें तो जैसा फ़ोटो में दे रखा था सेम डिज़ाइन वैसे ही दे रखा है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। ये थोड़े से बड़े हैं, ये हल्के छोटे होते तो ज़्यादा बेटर था, बट कोई नहीं, कंपनी की अपनी डिजाइनिंग है, अपने हिसाब से बनाती है चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कंपनी अपने हिसाब से A to Z चीज़ें देखती है और उसी हिसाब से इसको बना के रखती है, यही इसकी खासियत होती है कंपनी की। कंपनी अपने हिसाब से डिजाइनिंग करती है। इस टाइप से ये वीडियो है, ये छोटी सी। मुझे साउंड की बात की जाए इसमें तो साउंड में बेस इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतना बढ़िया बेस नहीं मिलता जितना बढ़िया बेस इसमें मिल रहा है आपको, तो एक अच्छी बात है बेस में के मामले में। साउंड का काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर अच्छा है, मूवी वगैरह देखते हैं गाने सुनते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक वाव फीलिंग आने वाली है, बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है म्यूजिक। अब अगर आप बात करते हैं तो बात करने में भी आपको क्लियर बात होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात होती है, ऐसे जैसे किसी बड़े ब्रांड की हैंड फ्री में बात करते हैं उस टाइप से बात होती है। म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, साउंड भी बहुत अच्छा है। अगर आपको पसंद है आप लेना चाहते हैं तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे जाइए परचेज करिए। साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि इस टाइप से जो भी नोटिफिकेशन वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नई नई वीडियो आती रहती है इस चैनल पर, नए नए प्रोडक्ट्स गैजेट वगैरह बहुत सारी चीज़ों की, तो आपसे मिस ना हो इसलिए नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।